थ्रेड्स ट्विटर की टक्कर में एक ऐसी सोशल ब्लॉगिंग साइट जिसने फिलहाल धूम मचा दी है, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग के ऐलान के बाद लोगों के बीच ये क्यूरियोसिटी थी कि आखिर थ्रेड्स क्या होने वाला है। थ्रेड्स के बारे में आपको बता दें कि फिलहाल मार्क ज़करबर्ग ने इसे लॉन्च कर दिया है, इंस्टाग्राम की तरफ से इसे तैयार किया गया है, इसलिए अब आपके सामने डिटेल रखूंगी कि किस तरीके से थ्रेड्स को आप यूज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। एक ऐसे वक्त में ये ऐप आई है जब ट्विटर के ज्यादातर लोगों को इस बात की ऑब्जेक्शन थी कि अब ट्विटर पर ऑपरेट करने के लिए उन्हें चार्जेस देने होंगे। ऐसे में इस समय पर जहां पेड ट्विटर को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए और साथ ही इलॉन मस्क के कई फैसलों को लेकर भी जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया, उसके बाद मार्क ज़करबर्ग के इस ऐलान के बाद थ्रेड्स को लेकर लोगों में क्यूरियोसिटी थी और यही वजह है कि लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद ज्यादातर लोग इसको डाउनलोड भी कर रहे हैं। आपको क्या करना होगा जल्द आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि थ्रेड्स को ऑपरेट करने के लिए सेम आपको एक फील आएगी ट्विटर वाली। हालांकि इंस्टाग्राम की टीम की तरफ से इसे तैयार किया गया है। कैसे डाउनलोड करना है, जाहिर सी बात है अगर आप एप्पल फोन यूज कर सकते हैं या एंड्रॉयड यूज कर सकते हैं तो उनको ऐप के तौर पर आपको थ्रेड को डाउनलोड करना होगा। फिलहाल मेरे सामने मैंने TV9 भारतवर्ष, जिसे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, हर बड़ी खबर का अपडेट ले सकते हैं, जान पाएंगे थ्रेड्स के माध्यम से भी कि देश दुनिया में आखिर किस तरीके से लोग अपने विचार थ्रेड्स को लेकर भी सामने रख रहे हैं। इसीलिए ये एक लिंक मैंने यहाँ पर खोला है, जिसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइक की ऑप्शन होगी, कमेंट की ऑप्शन होगी, शेयर करने की ऑप्शन होगी और साथ ही इसे जिस तरीके से अभी तक आप रीट्वीट करते थे वैसे ही इसे आप रीपोस्ट भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि थ्रेड्स को अब ज्यादातर लोग ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं, ये समझते हुए कि आखिर किस तरीके से इस ऐप को न सिर्फ आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है बल्कि फिलहाल ये फ्री है। ऐसे में माना यही जा सकता है कि अगर आने वाले वक्त में एड्स ज्यादा मिलेंगी तो इसको लेकर भी शायद जल्द कुछ फैसले हो जाएं, लेकिन ऐसा फिलहाल इलॉन मस्क की तरफ से जिस तरीके से पदभार संभालने के बाद बड़े बड़े फैसले हुए ऐसा फिलहाल ज़करबर्ग की तरफ से नहीं कहा गया है। क्योंकि कुछ और बड़ी बातें आपको इस ऐप के बारे में बता दूं, जहां पर आपको न सिर्फ पोस्ट करने के लिए 500 अल्फाबेट्स की वो लिमिट मिलेगी बल्कि 10 फोटोज को एक साथ आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि फोटोज को लाइक, पोस्ट, रीट्वीट जिस तरीके से आप करते हैं वैसे ही रीथ्रेड आप इसका क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही तमाम पब्लिक और प्राइवेट प्रोफाइल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अपने जानकार लोगों को आप फॉलो कैसे आसानी से कर पाएंगे उसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि आप थ्रेड्स को ऑपरेट करने के लिए आपको अलग लॉगिन की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इंस्टाग्राम के यूजर हैं तो आप इंस्टाग्राम की आईडी से ही इसे आसानी से ऑपरेट भी कर सकते हैं और अगर आपका वेरीफाइड अकाउंट है तो थ्रेड्स को वेरीफाई नहीं करना होगा आपको दोबारा, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट यहां पर भी वेरीफाइड ही शो किए जाएंगे। और फिलहाल जैसा कि आपको बताया इंस्टाग्राम की टीम की तरफ से इसे तैयार किया गया है, फील इंस्टाग्राम वाली जरूर है लेकिन अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आसानी से ट्विटर के कंपटीशन में ये एक बड़ा फैसला मार्क ज़करबर्ग ने लिया है और यही वजह है कि थ्रेड्स के लॉन्च होने के बाद मिलियंस और मिलियंस लोग इसे फिलहाल डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी डाउनलोड करिए क्योंकि TV9 भारतवर्ष पर हर बड़ी खबर का अपडेट इसी तरह कैसे आपको थ्रेड्स के माध्यम से भी मिलता रहेगा।